ये नहीं पता है क्योंकि हमने तो अपना देखना, आपने सारे का देखना। क्यों जी? पवन जी, कार्यक्रम था उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। आज का मित्र जो विषय है, कल जो एपिसोड भारत के लोकतंत्र के मंदिर में जो नए नए विपक्ष के नेता बने हैं उनके द्वारा जिस प्रकार का देश के अंदर एक बहुत बड़े वर्ग को अपमानित करने का काम किया है, सबसे पहले तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और जिस प्रकार का उसका व्यवहार विपक्ष की भूमिका जो होनी चाहिए वो विपक्ष की भूमिका भी दिखाई नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो सदा हिंसा, असत्य और नफरत फैलाने का उन्होंने आरोप लगाया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये मानता हूं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी झूठी बातें बोल करके संसदीय मर्यादाओं को तार तार करने का काम किया है, जिसके स्टेपन की मांग सत्ता पक्ष ने भी रखी कि आप बताओ तो कुछ न कुछ तो बताना पड़ेगा, परंतु बताने में वो कन्नी काटते हुए नजर आए। और जब देश के अंदर, मुझे ऐसा लगता है ये कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है, तीसरी बार भी कांग्रेस के द्वारा किसी एक प्रोडक्ट को बार बार मार्केट में लॉन्च करना और लोगों के द्वारा उसको नकार देना, क्योंकि कहीं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लोग अपने आप भी ज्यादा खर्च करके उसको लेने का प्रयास करते हैं, परंतु कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो बहुत ज्यादा खाद का, दवाई का मिश्रण होता है, लोग उसको नहीं लेते हैं। और मुझे वो इसके अंदर दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस द्वारा उसको बार बार लॉन्च करना और इन हरकतों से लोग देखते भी हैं, समझते भी हैं, उसको नकार देना, ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है अंदर की, ये देश के लोगों के प्रति उन्होंने जो जहर उगला है, जिस प्रकार की बातें बोली हैं उसने निसंकोच देश से माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने भी माफी मांगनी चाहिए।
और अपनी गलती का उसे एहसास होना चाहिए। लोकसभा में महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, राहुल गांधी ने उस बाबत औपचारिकता वंश भी एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं बोला। महामहिम राष्ट्रपति कोई डॉक्यूमेंट रखते हैं, कोई उनका विजन होता है, सरकार की दूरदर्शिता होती है कि सरकार ने क्या काम किए हैं उसके ऊपर उसका एक डॉक्यूमेंट विजन होता है, एक शब्द भी उसने नहीं बोला। सदन में राहुल गांधी ने केवल और केवल झूठ ही बोला, जितनी देर भी खड़े रहे झूठ से सिवाय कुछ नहीं बोला। कांग्रेस के नेताओं को मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी का ज्ञानवर्धन करना चाहिए, समझाना चाहिए कि भारत की गरिम संसदीय गरिमा को कम न करें, उनके नेताओं को उसको जरूर समझाना चाहिए। कांग्रेस के इस युवराज ने अपने भाषण में न केवल हिंदुओं को घोर अपमान किया, हिंदुओं को हिंसक, नफरती और झूठा बताया, बल्कि अग्निवीर, किसान, अयोध्या, माइक सब पर झूठ और केवल झूठ बोला। राहुल गांधी को अविलंब हिंदुओं का अपमान करने के लिए, सदन में झूठा बयानबाजी करने के लिए देश की जनता से अविलंब माफी मांगनी चाहिए। पूरी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस और उसका गैंग राहुल गांधी को सही ठहराने के लिए लगा हुआ है। इनकी सोच देखिए, कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस का पूरा गैंग, राहुल गांधी भी ठीक बोल रहा है, सही ठहराने पे लगा हुआ है, कई बहाने बनाएंगे कि, लेकिन सदन में राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य, पूरे देश ने देखा है, इस प्रकार से उन्होंने अपमानित करने का काम किया है। तीन इलेक्शनों में मुझे ये लगता है, जो लगातार इलेक्शन पिछले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी 3 डिजिट क्रॉस नहीं कर पाई, और जब 3 डिजिट वो क्रॉस नहीं कर पाई, तीसरे इलेक्शन में भी वो 3 डिजिट से नीचे रही। आज उसको हिंदू के अंदर नफरती, हिंसात्मक, वो झूठा बताने का कार्य कर रहे हैं। सच्चाई सबको पता है, आज ये इस प्रकार की जो बात बोल रहे हैं, ये कांग्रेस के युवराज को अपने पूर्वजों का कार्यकाल ध्यान नहीं है। 1984 के दंगों में ये कांग्रेस पार्टी ने क्या हाल किया, सरेआम कत्लेआम किया, वो भूल गए उस नफरत को जो फैलाने का काम कांग्रेस ने किया। कश्मीर घाटी के अंदर जो हमारी वहां के कश्मीरी पंडित थे, कितना अत्याचार किया, कांग्रेस ने काली पट्टी बांध रखी थी, सत्ता में थी, काली पट्टी बांध करके बैठी थी। जब ये 1984 में सिखों के ऊपर हमले हुए, काली पट्टी बांध करके बैठे थे। जब
घाटी के अंदर कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, तब ये काली पट्टी बांध करके बैठे थे राहुल गांधी। पश्चिम बंगाल में घटनाओं पर कुछ नहीं बोलते। पश्चिम बंगाल में घटनाक्रम होता है, इसकी जबान को ताला लग जाता है, कांग्रेस के जो नेता है उनकी जबान के ऊपर ताला लग जाता है, कुछ नहीं बोलते। तमिलनाडु में हिजब यूट थाहिर की मंशा पर कुछ नहीं बोलते। केरल में अपने सहयोगी की हिंसा भड़काने की तहरीरों पर भी कुछ नहीं बोलते। हिंदुओं को हर बार बदनाम करते हैं। इनका जो चरित्र रहा है, ये इस प्रकार के लोग हैं जो ये बोलते थे, इन्हीं के नेता बोलते थे, इनके सहयोगी दल बोलते थे, न राम हुए न रामायण हुई, ये इस प्रकार की भाषा बोलते थे। 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। ये राहुल गांधी भूल गया क्या? इसके सहयोगी भूल गए क्या? 2013 में पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी हिंदुओं को आतंकवादी बताया था। ये इनका डीएनए है, ये कांग्रेस का डीएनए है। 2021 में राहुल गांधी ने ही कहा था कि हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकालने को, उन्होंने कहा था कि हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। ये किसका यहां पर वो साम्राज्य चाहता है, इसकी क्या मंशा है? ये देश को तोड़ने का ये विपक्ष के नेता के भी लायक नहीं है। देश को तोड़ने की बात, देश को कमजोर करने की बात, अरे किसी को समझाने की बजाय ये बात बोलता है। ये पूरा देश देख रहा था जिस जेएनयू के अंदर कुछ बालक बैठ करके भारत को तोड़ने की टुकड़े टुकड़े की बात कर रहे थे। ये वही तो राहुल गांधी है जो उनके बीच में बैठ करके उनको समर्थन देने की बात कर रहा था। ये देश की गरिमा के भी ये खिलाफ, ये लोग देश को कमजोर करने के लिए भी अगर कोई कदम ये उठाएं, इनके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। और मुझे जब ये लोग सत्ता में थे, आपके पास सब चीजें थी, इनके पास सब चीजें थी, तब भी इन्होंने झूठ बोला और सदन के पटल पर अपनी गलती मानी। आज भी आप झूठ बोल रहे हैं। ये जब सत्ता के अंदर थे तब भी इन्होंने सदन के पटल पर झूठ बोल करके माफी मांगने का काम किया है। कर्नाटक में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जो इस समय पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, सतीश जार की होली भी हिंदू शब्द को गंदा बोल चुके हैं। इनकी भारत जोड़ो यात्रा में जॉर्ज पोनैया ने कहा था कि भारत की धरती को इतना अपवित्र मानता हूं कि मैं जूते पहनता हूं ताकि इसका स्पर्श न हो जाए। ये भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जॉर्ज पोनैया जो इनको चलाने वाला है, उसकी ये मंशा थी। इनके गठबंधन के लोगों ने ही हिंदू धर्म के नाश और उसकी तुलना कोरोना वायरस के साथ की थी, जो इनके गठबंधन के घमंडीय गठबंधन के जो लोग हैं। इस बात को भी हमने समझना है। आज राहुल गांधी ने अभय मुद्रा की बात करते हुए
लोकसभा के सदन में राहुल गांधी ने अभय मुद्रा की बात करते हुए इस्लाम में भी अभय मुद्रा बता दी, जबकि इस्लाम में कोई चित्र नहीं होता, तो उन्हें अभय मुद्रा कहां से दिख गई, कहां से उनको दिखाई दी आई? राहुल गांधी को कोई इलम तो नहीं हुआ, या ऊपर से कोई फजल हुआ है कि उन्हें अभय मुद्रा दिखाई दी है? किस प्रकार से देश को कमजोर और तोड़ने की ये कांग्रेस की जो बयानबाजी है, इससे देश को भी नुकसान है और देश की सुरक्षा को भी मैं मानता हूं नुकसान है। संसद में जिस तरह से भगवान शिव के चित्र को दिखाया गया है राहुल गांधी के द्वारा, बार बार दिखाया गया है, वह बेहद आपत्तिजनक है। उसके ऊपर हम आपत्ति दर्ज करते हैं। इस पर लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ने भी कहा कि जिनको हम पूजते हैं उनके चित्र यहां प्रस्तुत नहीं करने चाहिए। उसके बावजूद भी इन्होंने हिंदू संस्कृति के साथ अपमानित करने का काम ये राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी शिवाजी की तस्वीर दिखा रहे थे और कहते हैं कि हम हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ेंगे, जबकि शिव और शक्ति एक है। इसको यही मालूम नहीं है, इसका ज्ञानवर्धन कांग्रेस के लोगों को करना चाहिए। राहुल गांधी ने 2014 में शपथ ईश्वर के नाम से ली थी, तो फिर 2014 से 24 में ऐसा क्या बदल गया कि वे ईश्वर के नाम की शपथ से सत्य निष्ठा पर आ गए और फिर सदन के पटल पर ईश्वर के चित्र दिखाने लगे? इसलिए राहुल गांधी को गंभीरता और परिपक्वता के साथ अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए। ये लगातार बार बार सदन के पटल के ऊपर झूठ बोल करके देश को गुमराह करने का काम, इलेक्शन के दौरान में भी ये देश के अंदर झूठ बोल करके लोगों को भटकाने का काम, ये इनके डीएनए के अंदर शामिल है। राहुल गांधी अग्नि योजना में शहीदों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। ये लोकसभा के पटल के अंदर बोल रहा था कि अग्निवीर कोई शहीद हो जाता है उसको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, परंतु उसके जवाब के अंदर माननीय रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह जी ने तुरंत राहुल गांधी के इस झूठ को देश के सामने संसद में एक्सपोज करने का काम किया है। और उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना में शहीदों को 1 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। ये किस प्रकार का झूठ बोलते हैं? झूठ बोल करके देश के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। राहुल जी को केस स्टडी कर अपने तथ्यों को दोबारा देखना चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने सेना पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी सेना पर सवाल खड़े उठाए हैं और देश को भ्रमित करने का प्रयास कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने, इनके घमंडिया गठबंधन ने किया है। बाद में उन्होंने माफी भी मांगनी पड़ी, पूरे देश के सामने है। और राहुल गांधी ने एक और झूठ बोला, ये बार बार झूठ बोलते हैं, किसानों को आतंकवादी
बताने का झूठ राहुल गांधी ने लोकसभा के पटल के अंदर, राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने किसानों को आतंकवादी बताया, ये राहुल गांधी के बयान है। किस प्रकार का झूठ बोलते हैं? अरे किसान हमारी इस देश की आत्मा है, इस देश का पेट भरने का काम मेरा किसान करता है। मैं इसे राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि एक श्वेत पत्र जारी करके लोकसभा के पटल के अंदर बताए, देश को बताए कि मेरी पूर्वजों की सरकार 55 से 60 वर्ष तक इस देश के ऊपर एक छत्र शासन में रही है, कौन से उनके विकास के लिए, मजबूती के लिए, किसान के हित में कदम उठाए हैं वो देश को बताने का काम करे, देश के अंदर गुमराह और झूठ बोलने का काम ना करे। राहुल गांधी के इस झूठ को तुरंत खुलासा हो गया और जब उससे प्रूफ मांगने की बात कही गई, आप सदन के पटल पर झूठी बातें नहीं कर सकते, आपको इस ऑथेंटिक करना होगा। इसको पूछा गया, परंतु किस प्रकार का झूठ बोल करके ये देश को गुमराह करते हैं, और यही कांग्रेस के, यही राहुल गांधी, ये घमंडिया गठबंधन के लोग कि सरकार किसानों को एमएसपी नहीं देती।